मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम EWS की बात कर रहे हैं, जब हम गरीबों की बात कर रहे हैं, तो क्या गरीबी आपका धर्म आपका जाति देख के आता है? काफ़ी डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है, काफ़ी क्वेश्चनेबल जजमेंट है। इसके कुछ बैकग्राउंड से कुछ पहलू हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बात नहीं की है अपने जजमेंट में भी, और जो जिसके ऊपर पहले से भी क्वेश्चंस थे। इस समाज की एक खासियत है, और खासियत यह है कि इंसान के तौर पर जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं और जो वर्चस्ववादी नहीं है, उनको आप बराबरी का दर्जा सामाजिक स्तर पर नहीं देते हैं। जो आर्थिक स्तर पर, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आर्थिक स्तर पर गरीब हैं, लेकिन उनको समाज में जो सम्मान है वो सम्मान उनको पूरी तरीके से मिलता है। कि आरक्षण इस वजह से नहीं शुरू हुआ था कि आपको हिंदुस्तान के अंदर तो समानता का अधिकार तो सबको मिल गया, जब रूल ऑफ लॉ हो गया, जब संविधान हो गया, तो समानता का अधिकार सबको मिल गया। लेकिन क्या समानता के अधिकार के बाद क्या बंधुत्व का अधिकार भी मिला या नहीं मिला? मुझे लगता है बंधुत्व का अधिकार नहीं मिला। आज भी किसी दलित अगर घोड़े पर सवार हो जाए तो उसके साथ जो व्यवहार होता है वो हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो अगर वो मूछ रख ले तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, आप समझिए उस बारे में। अगर वो खास जाति का है या दलित तबके का है या पिछड़ी जाति का है, तो वर्चस्ववादी ताकतों को, जातियों को, उनको लगता है कि हम तो स्वाभाविक तौर पर इनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार कर सकते हैं और हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसलिए आरक्षण इस देश के अंदर लागू किया गया और आरक्षण की बात संविधान सभा में की गई कि हमें वो दर्जा मिलना चाहिए जो दलित और पिछड़े हैं, जिनकी वो शायद आरक्षण से मिल पाए। पहली बात तो ये। इसलिए दूसरी बात क्या है कि आपने दरअसल इस देश के अंदर नौकरी तो है ही नहीं, और आपने क्या कर दिया कि एक लुभावना तोहफा आपने लोगों को दे दिया, लोगों को भ्रम में डालने का अधिकार दे दिया। अधिकार क्या है? आप 8 लाख रुपए जिसकी सालाना इनकम है उसको आपने गरीब मान लिया। तो जाहिर सी बात है इस आरक्षण को भी फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो 20,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो घर में बर्तन मांजने वाले जो मेड और परिवार के लोग हैं, जो छोटी बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, रोज खाते हैं, रोज करते हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए जो लोग मोहताज रहते हैं, उनके बच्चों के लिए तो इस आरक्षण में कोई जगह ही नहीं है। तो ये अजीब सी बात है कि जब OBC का आरक्षण होता है तो हम क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, यहाँ क्रीमी लेयर नहीं दिखाई पड़ता है। जो आदमी जिस परिवार में 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमा रहा है, तो उसकी माली हालत और उसकी शैक्षणिक हालत जो उनसे जो 20,000 रुपए कमाते हैं, जो 18,000 रुपए कमाते हैं, 15,000 रुपए कमाते हैं, उनसे कई गुना है। तो आरक्षण के जो असली हकदार हैं, जो असली गरीब हैं, उनको भी इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को अब कोई रिवर्स नहीं कर सकता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इस लड़ाई के बाद से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो कमजोर, बिल्कुल कमजोर पड़ने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है। अब पाटीदार समाज खड़ा होगा, बोलेगा कि भाई मुझे आरक्षण दीजिए, क्योंकि पहले तो आपके पास ये था कि आप 50% के ऊपर का आरक्षण देने के लिए मना कर सकते थे, कहते भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, हम क्या कर सकते हैं, आज तो वो सीलिंग टूट गई है। तो पाटीदार समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, जाट समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, गुर्जर समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, कापू समाज को आरक्षण देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर मराठा का एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चला था और बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की थी, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो अब किन किन जातियों को आप इसमें आइडेंटिफाई करके, और जिनको आरक्षण आप नहीं देंगे वही लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वही लोग उस पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो मैं आज ये देख रहा हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक अजीब तरीके की साजिश है कि कोई खुलकर बोलना भी नहीं चाहता इस पूरे मसले पर, कोई नहीं खुलकर बोल रहा है सिवाय DMK के, कोई खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं। मैं तो कहता हूं कि इसने ये जो अब जो 52% का जो आरक्षण, जो 52% अगर ओबीसी तबका है, तो कल वो डिमांड करेगा कि मुझे 52% आरक्षण दीजिए, क्योंकि तब आप किस आधार पर उसको रोकेंगे? आप उसको किसी आधार पर रोक नहीं सकते। और अगर आप नहीं देंगे तो वही ओबीसी तबका जो है वो खड़ा हो जाएगा सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो या कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो उसके खिलाफ खड़ा हो। तो मेरा मानना यह है कि अब सामाजिक न्याय की लड़ाई और तीखी होगी और तीव्र होगी। बताऊं कि ऐसी परिस्थितियां जब समाज में पैदा होती हैं किसी भी जगह, किसी भी देश में, तो कोई जरूरी नहीं कि ऑल ऑफ सडन कोई नई लीडरशिप पैदा हो जाए, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई नया फ्रंट बन जाए, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें मैं समझता हूं कि नए किस्म के नेता, नए किस्म के संगठन, नए किस्म के आंदोलन विकसित होते हैं, और ये पूरी दुनिया का एक रिवाज है, इतिहास में ये चीजें दर्ज हैं। तो मैं नहीं जानता कि भारत में इस प्रक्रिया को
मैच्योर होने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बदलाव जो होते हैं या बदलाव की जो प्रक्रिया होती है वो कैलेंडर की तारीख से नहीं आती है, उसके अपने नियम होते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया भी होती है, और उसमें सब्जेक्टिव एफर्ट्स यानी आत्मगत प्रयासों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि इस फैसले के बाद इस देश के किसी विवेकशील व्यक्ति को जातिगत जनगणना का विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है किसी भी तरह से, क्योंकि आप बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी सर्वेक्षण के आप 103वां संशोधन करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करता है, कमाल की बात है। और जब अप्रूव करता है उसके पास कोई आंकड़ा नहीं रहता है, कोई सर्वेक्षण नहीं रहता है। मंडल कमीशन ने बाकायदे जातियों का सर्वेक्षण कराया, उसमें देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों, एनजीओ और इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व किया था, इस आरक्षण के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। कि सवाल आवाज उठाने का नहीं, अगर हम ये सोचें कि कोई बहुत संगठित तौर पर किसी तरीके से आवाज उठेगी और उसके बाद इस फैसले को बदल दिया जाएगा, मैं उस मेरी राय वैसी नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से अगर आप देखें कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो चेतना पैदा हुई इस देश के अंदर, उस चेतना की वजह से दलितों को आरक्षण देने की बात की गई, और जो बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था वो इस वजह से नहीं हुआ था कि कोई बहुत बड़ा उद्धार करने की कोशिश की जा रही, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि जो ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जो ऐतिहासिक ताकतें थी वो इतनी मजबूत हो गई थी कि अब आप दलितों के जो हक थे उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, और चूंकि इग्नोर नहीं कर सकते थे इसलिए आपने उसको एक रास्ता निकाला। जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात वो कर रहे थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट हम रिजर्वेशन उसको देते हैं। और उसके बाद अगर आप देखिए कि ये जो ओबीसी का जो आरक्षण मिला वो भी कोई बहुत ओबीसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह की वजह से नहीं मिला। वो रिपोर्ट तो 1980 से पड़ी हुई थी सरकारों के पास, वो तब मिला जब लोकतंत्र, जब डेमोक्रेसी में ये हो गया कि अब आप ओबीसी के आरक्षण को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो अचानक एक दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वो फाइल कर दी और आरक्षण को लागू कर दिया। आज की अब ये जो जहां पे हम आज पहुंच चुके हैं, जिस तरीके की चेतना है और जिस तरीके की लोकतांत्रिक प्रक्रिया काम कर रही है, आप यकीन जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 7-8 सालों में अपने आप को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, आज उस पार्टी के अंदर ओबीसी और दलितों को एम्पावर करने की बात की जा रही है, कम से कम उसकी शुरुआत की जा रही है। एम्पावरमेंट है या नहीं मैं नहीं जानता उस बारे में भी, लेकिन कम से कम उनको अपने साथ समाहित करने की कोशिश की जा रही है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑटोमेटिकली एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जहां आप जो 80% आबादी है उसकी डिमांड को, उसकी हिस्सेदारी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व भी अपने आप में अब धीरे धीरे इसके अंदर बदलाव लाने के लिए मजबूर हो रहा है संघ परिवार। आप पिछले दिनों अगर आपने देखे मोहन भागवत ने क्या भागवत ने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये अतीत का हिस्सा है, इसको भूल जाना बेहतर है। ये वही 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 हिंदुत्ववादी ताकतें हैं जो ये कहते रहे कि हजारों साल तक हिंदुस्तान क्यों पूरी तरीके से इस्लामाइज नहीं हो पाया, पूरी तरीके क्रिश्चियनाइज नहीं हो पाया, या जो बाहर के लोग आक्रमण करने के लिए आए उसका कारण ये था, उसकी ताकत थी इसकी जाति व्यवस्था, ये जो कास्ट स्ट्रक्चर था यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और इसी वजह से वो पूरी तरीके से इस्लामाइज नहीं हो पाया, क्रिश्चियनाइज नहीं हो पाया। आज अगर उनको लगता है कि इसको भूलने की जरूरत है, इसका मतलब वहां पर भी इस डेमोक्रेटिक प्रेशर का दबाव पड़ रहा है। चूंकि आपको चुनाव जीतना है और आपको चुनाव जीतना है तो उस चेतना को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा, जो चेतना आज संख्या में भारी है, और लोकतंत्र का मतलब संख्या में भारी। तो ये आखिरी लड़ाई हिंदुत्व एक तरीके से लड़ रहा है, आखिरी लड़ाई लड़ रहा है वो, उसको अपने वर्चस्व को बनाए, और ये और वर्चस्व क्या है, ये जो अपर कास्ट का वर्चस्व है उसको आखिरी लड़ाई उसको बनाए रखने की, तो ये आखिरी लड़ाई है। अन्यथा ना तो बाबा साहब अंबेडकर के कहने के लड़ाई के बाद दलितों को आरक्षण मिलता और ना ही 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और अब जो ये जो रिएक्शन में जो 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, मेरी अपनी राय है कि दरअसल ये अपर कास्ट के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है ये आरक्षण, क्योंकि जो लोग ईडब्ल्यूएस के तहत जिनको आरक्षण आपने दे दिया तो फिर वो अगले जो 40% आरक्षण है उसके एलिजिबल हो जाएंगे, और 8 लाख की जो संख्या है, अगर आप जो अपर कास्ट का अगर आप फार्मूला निकालेंगे तो वो कम से कम 60% अपर कास्ट के बीच में होंगे। हम देखें कि 90 के दशक के बाद एक मंडल कमीशन आयोग लागू होता है, जिसके बाद
यूनिवर्सिटीज में, बाकी जगह पे ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है, और उसके बाद बहुत सारे जो आज से पहले एजुकेशन से बाहर थे वो एजुकेशन के अंदर आते हैं। लेकिन तब से ही बीजेपी का ये सवाल रहा है कि ओबीसी को इस तरीके से जो प्रमोट किया जा रहा है, जो आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके पीछे बहुत एक ब्राह्मणिकल थॉट्स है, उसके पीछे सीधा सीधा ये है कि वो नहीं चाहते कि इस देश का जो मेजॉरिटी है, जिसको हम बहुजन बोलते हैं, वो इस देश का जो रिसोर्सेस है उस पर जितना उसका अधिकार है उतना रहे। उसीलिए बार बार ये कोशिश किया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपकाश को दे ज़्यादातर जो रिसोर्सेस हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख लिए, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहीं की बात करेंगे। आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लेवल पर देख लीजिए कितने ओबीसी हैं। तो ये सवाल उठता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन बहुत जेन्यून मंडल कमीशन आयोग में पूरा एक दो वॉल्यूम्स में लिखा गया कि कैसे दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम रिसोर्सेज और इसीलिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए कितना रिसर्च किया गया? क्या मोदी सरकार ये बता सकती है कि इस देश में 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं? जो स्प्लिट एक वर्डिक्ट है 3-2 में, उसमें भी जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया गया है, कहीं ना कहीं एक बहुत सारा सवालों को ओपन कर दिया गया है। एक तरफ चाहे इंदिरा साहनी हो, चाहे बालाजी जजमेंट हो, जहाँ पे 50% का जो कैप रखा गया उसको आज के जजमेंट ने हटा दिया है, तो एक सवाल उठता है कि जब मंडल कमीशन ये बात कहता है कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है और उनको उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, तब उसको कैंसिल करके 27% पे लाया जाता है क्योंकि 50% का कैप नहीं लांगा जाए, पर जब अपर कास्ट को रिजर्वेशन देने का बात आता है तब वो 50% कैप का बात भुला दिया जाता है। रही बात 27% जो ओबीसी को दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें भी जो कम्युनिटीज़ टेक्निकली ओबीसी में नहीं है, जैसे दलित क्रिश्चियन है, दलित मुस्लिम है, उनको भी उसमें अकोमोडेट किया गया है, जबकि बात होना चाहिए कि उनके लिए भी एक अलग कोटा हो। और जहाँ तक के बात है ये 50% का, जिसे ओपन कहा जाता है, जनरल कहा जाता है, एक कहीं ना कहीं समझदारी बनाई गई है कि वो जो है अपर कास्ट के लिए रिजर्व्ड है 50%, और ये जजमेंट भी कहीं ना कहीं उसको एनफोर्स करता है, ये कहते हुए कि जो एससी एसटी ओबीसी है उनको कहीं ना कहीं पहले ही रिजर्वेशन मिल चुका है और वो इस 10% में उनको भागीदारी नहीं मिलेगा। और जो जस्टिस त्रिवेदी है, जिनका ये स्टेटमेंट है कि गरीबी जो है उससे एक इस तरीके का इनइक्वालिटी क्रिएट होता है जो जाति के बराबर है, तो उनको ये समझने का ज़रूरत है कि मंडल कमीशन का जो लॉजिक था, जो 3 चीज़ें देखा था, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उसमें इकोनॉमिक बस एक पार्ट था, सोशल और एजुकेशन 2 पार्ट थे जो उसको ओवरवेट करते थे, पर अभी उसको भुला के कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को मेन क्राइटेरिया बनाया गया है। और एससी एसटी ओबीसी को, जहाँ से इस देश का मेजॉरिटी गरीब आता है, जो जस्टिस भट्ट है अपने जजमेंट में उन्होंने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी एक गरीब है वो इन तबकों से आता है, तो उनको एक्सक्लूड करने का लॉजिक जो है वो अपने आप में एक्सक्लूजनरी है। तो इस बात को कहीं ना कहीं समझते हुए इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो ये जजमेंट आया है ये कहीं ना कहीं पूरे रिजर्वेशन के पॉलिसी को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक गारंटी था, राइट टू इक्वालिटी, जो था कि स्टेट विल टेक स्पेशल प्रोविजंस टू एंश्योर इक्वालिटी, उसको डाइल्यूट करने का एक ये कोशिश एकदम से समझ में आ रहा है। और साथ साथ जिस तरीके से सरकार ने इसको एक तरीके से, जैसे नरेंद्र मोदी तथाकथित तरीके से एक पिछड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपर कास्ट पॉपुलेशन को अपीज करने के लिए इसको लाया गया था इस अमेंडमेंट को, और आज उसके थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसी को ही धीरे धीरे इरोड करते हुए किसी तरीके से जो बहुत हार्ड वन राइट्स इस देश के पिछड़े समाज ने, इस देश के वंचित समाज ने छीन के लिए थे, उनको रोल बैक करने का